दूर दूर बिठा लो यार यहाँ पे। एक बेंच पे एक बोला, एक बेंच पे, एक बेंच पे एक ही लोग बैठे हो आप लोग। उनको निकल दे दो बाहर, बाहर निकल दे दो आने वालों को, थोड़ा साइड दे दो उनको। ये कल की दिनांक में डॉक्टर अरविंद भट्ट द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिला अस्पताल से कि ऐसा वैक्सीन स्लॉट्स के अवेलेबल के नाम से एक ग्रुप है जिस पर स्लॉट बेचे जा रहे हैं, ऐसा करके उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। और जबकि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें 100% फ्री रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग है, तो जांच में यह पाया गया कि दो आरोपी हैं, एक दिनेश कलमे बीजादही का रहने वाला और एक नरेंद्र यादव जो चिचोली का रहने वाला है, इनके द्वारा एक ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से एडवर्टाइज़ किया जाता था कि हम स्लॉट्स उपलब्ध करवाएंगे और 800 रुपये प्रति स्लॉट इनके द्वारा पैसे की मांग की जाती थी। किसी से इन्हें पैसे भी लिए सर? हाँ, वो सब अभी विवेचना में उसके लेके उसको जांच कर रहे हैं और इसमें सेक्शन 188 है आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शंस भी लगाए गए हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उल्लंघन भी। कितने दिनों से चल रहा था इनका? ये अभी प्रथम दृष्टि संज्ञान में तो एक आध हफ्ते का ही आया है, बाकी जांच में जितने दिन का निकलता है। और किसी पे भी इसमें मामला दर्ज किए गए हैं? नहीं, अभी प्रथम दृष्टि में यही लोग हैं। ये कल की दिनांक में डॉक्टर अरविंद भट्ट द्वारा